देवास में पिछले दिनों से भूमाफिया और अवैध अतिक्रमणकर्ता पर प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। वहीं कांग्रेस सरकार ने तो पिछले ही दिनों यहां तक कहा था कि उनकी पार्टी का यदि कोई कार्यकर्ता भूमाफिया या अतिक्रमण करते पाया जाता है तो उस पर भी निष्पक्षता से साथ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पिछले दिनों हुई कार्रवाई में बहुत कुछ ऐसा देखने को मिला है कि जहां पर निष्पक्षता से कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं सांसद को भी शिकायत मिली कि एक कांग्रेस नेता की इंडस्ट्रीज भी बगैर MOS के बनी हुई है, उस पर भी कार्रवाई निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए। इसी बात को लेकर वह शनिवार दोपहर को कलेक्टर कार्यालय में सांसद ने अपनी बात रखी। वो मामला ये है कि मेरे पास लगातार एक शिकायत आ रही कि जो गंगा इंडस्ट्री नाम की कोई इंडस्ट्री है यहाँ पर, उसका MOS चेक करवाया जाए, उसकी परमिशन दिखवाई जाए। ऐसा लगता है कि गंगा इंडस्ट्री भी जो है उसमें भी अतिक्रमण कर रखा है, उसके भी विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में मैंने कलेक्टर साहब से वॉइस ऑफ MP के लिए देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट।